एसओटी का एक अच्छा सा सवाल है जहां पे बोला है एबीसी तीन एंगल है और एपी में है। अगर एबीसी एपी में है तो इन तीनों का सम पहले तो 180 डिग्री हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो गया, और क्योंकि एपी में है तो ए प्लस सी क्या ये 2b के बराबर हो गया क्या? जैसे ही 2b रखोगे तो b की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब यहां पे एंगल ए निकालना है तो भाई b को लिख दिया 2r sin b, तो यहां से अपन लिख देते हैं sin b अपॉन sin c, sin b अपॉन sin c भाई रूट थ्री अपॉन कितना हो गया, रूट टू हो गया। अब क्योंकि 60 डिग्री रखा तो ये रूट थ्री अपॉन कितना हो गया, ये इससे गया, तो यहां से sin c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√2, तो c जो है वो 45 डिग्री हो गया। अब b पता है 60 और ये पता है 45, तो भाई 105 यानी 75 होगा, तो आंसर कितना आ गया, एंगल ए कितना हो गया 70।